और काले धन के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर स्वराज इंडिया और स्वराज अभियान ने जमकर हल्ला बोला। स्वराज इंडिया के इस हल्ला बोल में हजारों की तादाद में समर्थक जुटे थे। इस प्रदर्शन का मकसद देश के बाहर का काले धन को देश में वापस लाने पर था। वहीं इस प्रदर्शन में स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव समेत प्रशांत भूषण, आनंद कुमार भी मौजूद रहे। वहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी के विधायक पंकज पुष्कर भी इस हल्ला बोल में शामिल हुए। पुष्कर का यह कहना है कि वो स्वराज अभियान के साथ है, ना कि स्वराज इंडिया के। हमारे संवाददाता अली अब्बास नकवी की देखिए यह खास रिपोर्ट। काले धन को लेकर आज स्वराज इंडिया ने हल्ला बोल किया है। आप देख सकते हैं पूरे देश से आज लोग यहां पे मौजूद हैं और वहीं इस वक्त ये देख सकते हैं तकरीबन 8 फुट ऊंचा एक स्टेज बनाया गया है जंतर मंतर पे, जहां पे जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं वो जो स्टेज है, ये स्टेज पे तकरीबन पूरी हल्ला बोल करते हुए और एक तरीके से अपनी बात काले धन की पहुँचाते हुए जनता तक, उस पर प्रशांत भूषण जिस तरीके से बोल रहे हैं और स्टेज पर खुद मौजूद हैं योगेंद्र यादव मैम, उनके सदस्य फाउंडर सदस्य स्वराज अभियान के आनंद कुमार, वो सब मौजूद हैं और साफ तौर पे आप देख सकते हैं लोग आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आपका मकसद है जिस तरीके से मकसद ये है कि ये काला धन की जो नोटबंदी पे पक्ष कहती है, जो सरकार कहती है कि ये ऐतिहासिक कदम है, विपक्ष कहती है कि ये तो एक नंबर का घोटाला है, हम कहते हैं हमारी पार्टी स्वराज इंडिया कहती है इससे आगे भी कुछ है क्या। ये पूछ पकड़ के खड़े हैं, हाथी को तो पकड़ो। जहाँ मलेशिया के खिड़की से काला धन आती है, स्विट्जरलैंड के से स्विस बैंक में काला धन पड़ी हुई है, उस पर हम लोग कहते हैं कि उसको पकड़े, उस पर कार्रवाई करें। और इसमें सब कुछ वो ओपनली है, जो आम आदमी पार्टी ने कहा था वो उन्होंने किया नहीं, लेकिन इसमें जो भी कुछ है वो सब ओपन है, जो लिखा हुआ है, जो इन्होंने बुक निकाली, जो भी कुछ है वो सब ओपन है। क्या आपको एक पहले भी आप थे जब आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी ने भी अपनी शुरुआत की थी, अब स्वराज इंडिया, क्या फर्क नजर आ रहा है? खुदा ना खास्ता, देखिए किसी भी राजनीतिक आंदोलन के लिए जरूरी है कि उसकी कमान जनता के हाथ में बनी रहे। जनता ने आंदोलन किया अपनी जरूरत के लिए, आम आदमी पार्टी बनाई, लेकिन प्रमुख था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के खिलाफ आंदोलन बड़ा था, वो जरूरी था, वही प्रमुख था। पूरी तरीके से स्वराज इंडिया के साथ हो चुके, मैं स्वराज अभियान के साथ हूँ। स्वराज अभियान एक गैर चुनावी, आप स्वराज इंडिया के साथ नहीं? स्वराज इंडिया के साथ मैं नहीं हूँ, मैं स्वराज अभियान के साथ हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का क्योंकि चुनाव हुआ विधायक हूँ, तो मेरा विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के को उस आंदोलन की धारा में बनाए रखने का मेरा काम है। आप स्वराज अभियान में, स्वराज इंडिया में नहीं, और आम आदमी पार्टी के अपने आप को सदस्य मानते हैं? बिल्कुल, साफ तौर पर देख सकते हैं कि पंकज पुष्कर थे तिमारपुर विधानसभा दिल्ली से विधायक भी हैं, उन्होंने एक तरीके से स्वराज अभियान जो स्वराज इंडिया की एक तरीके से सहायक शाखा है जो गैर राजनीतिक पार्टी, उसमें वो शामिल और अपने आप को बता रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी कि जिस तरीके से काले धन के ऊपर स्वराज इंडिया और स्वराज अभियान ने मिल के एक तरीके से जो हल्ला बोला है वो कितना सरकार के तरफ ले जाएगा और कितना अब आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अली अब्बास नकवी, A to Z न्यूज़, दिल्ली।